मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आज करीबन 11:30 बजे रात को मुझे MG नगर से कॉल आता है कि दुर्गा बाहनी टेम्पल जो कोचावा बस्ती में है, चाचा नेहरू पार्क के जो अपोजिट है, वहाँ पे कुछ गोश मंदिर के एकदम सामने रखा गया और वहाँ के पूरे लोग नवरात्रि के दशहरा के 10 दिन थे और आज ही वहाँ के जो जिम्मेदार थे, जिस तरीके से रिचुअल्स है कि शाम में करीबन उन्होंने मंदिर 9:30 को बंद कर वो वहाँ से गए और उसके बाद फिर वहाँ से कई लोग 10:30 10:45 तक भी वहाँ गए, किसी ने कुछ भी गौर नहीं करा। पर करीबन 11:30 के बाद मंदिर की गेट से एकदम सामने ये गोश के लुथड़े, एक जानवर है जिसका सर कटे हुआ है, एक अनबॉर्न जैसा पेट अनबॉर्न बेबी रहता है वैसा है, वो सामने रखा गया फौरी तौर पर, क्योंकि ये एकदम रिलीजियस फीलिंग्स को हट करता है और पूरे नवरात्रि दशहरे का माहौल है, वहाँ के पूरे अवामी वहाँ पे जमा हुए, मैं भी खुद वहाँ पे उनके बुलाने पे वहाँ पे गया। फिर वहाँ से हम लोग PS को आए और यहाँ पे हमने कंप्लेन फाइल दर्ज की और हमने पुलिस से ये सख्त मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस इन्वेस्टिगेशन को डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएट तौर पर CCTV फुटेज हमारे सामने रखना चाहिए, अगर कोई आदमी रखा है तो वो इन्वेस्टिगेशन हो, खुदा ना खास्ता, और अगर कोई जानवर के तरफ से हुआ है वो भी हमारे सामने CCTV फुटेज के जरिए, वीडियो एविडेंस के जरिए हमें बताया जाए। यहाँ के मुकामियों का ये बोलना है हम कोई सुना सुनाई बातों पे नहीं यकीन करेंगे जब तक हमारे को वीडियो एविडेंस नहीं बताया जाएगा कि ये किसने किया, जब तक इनके दिलों को सुकून भी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनके सीधी तौर पर इनके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है। मैं इनके साथ हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं DCP साहब से भी बात करा हूँ और कल सुबह से भी पूरा इसकी इस चीज़ पे फॉलो अप रहूँगा और जब तक CCTV फुटेज और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और जब तक इनके दिलों को सुकून नहीं मिलता, ये इसको उसके तल तक हम नहीं पहुँचेंगे जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ MG नगर के, पोचावा बस्ती के, अवेसीपुरी के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का। हालांकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे सब जमा हुए एक बस्ती में ठहरे, इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद भी वहाँ के नौजवानों ने जो सब्र का मुजाहरा किया और जो जिस तरीके से वहाँ के माहौल को संभाला, मैं आपके चैनल से एक अदबन गुजारिश ये करता हूँ कि वहाँ के मुकामी वहाँ के तौर पे जा रहे हैं, कोई भी अफवाहों पे ध्यान मत दे, वहाँ पे हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला इसके तल तक जाएंगे और अगर खुदा ना खा और कोई भी अगर इसमें जिम्मेदार हो निकलता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अगर कोई दूसरी चीज़ निकलती है तो वो भी हमें CCTV फुटेज में बताना चाहिए ताकि हमारे दिलों को सुकून मिल सके। हाँ वो तो देखिए साहब जरा, या तो वहाँ पर है ना, सामने ही है ना CCTV फुटेज, वो एकदम ओके ओके वही देख रहा हूँ, मालूम कर लेता हूँ भाई।